हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आप देख रहे हैं, मैंने ली है ये डेढ़ मूली। काफ़ी बड़ी मूली है, प्लेट से बाहर है, फ्रेश मूली है और इस सर्दी में हम ये सबसे पहली बार बना रहे हैं। डेढ़ मूली ली है, इसको धो लिया है, छील लिया है, मोटे साइड से ना ग्रेट करेंगे। अब हम इसको इधर से नहीं, इधर से ग्रेट करके आपसे मिलते हैं। ये मूली को हमने ऐसे ग्रेट करना है, देखो ये, और इसको ना हाथ से हम अच्छे से दोनों हाथ से ऐसे ये इधर निचोड़ लेंगे, ऐसे इसका पानी ना बिल्कुल सूखा कर लेंगे, हाथ से ही निचोड़ लेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए, ये बिल्कुल सूखा सूखा ऐसे मूली तैयार होगी और ये पानी है। तो अभी हम ना इसमें मूली में कुछ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि जब हम नमक मिलाएंगे ना तभी हम पराठे बनाएंगे, नहीं तो ये और पानी छोड़ देगी। तो इससे पहले हम इस पानी को यूज करते हैं। हमने लिया है 2 कप आटा, देखिए ये लिया है मैंने 2 कप आटा, साथ में नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटा चम्मच अजवाइन हाथ से क्रश करके, और 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी को लिया है। इनको सबको मिलाकर साथ में मूली का पानी डालकर हम आटा लगाएंगे। तो ये हमारा मूली का पानी भी यूज हो जाएगा, और अगर हमें थोड़े पानी की जरूरत पड़ेगी तो और मिला के थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाएंगे। ये आटा हमने स्मूथ लगा लिया है। अब हम इसको ना 1 चम्मच ऑयल डालकर इसको रख देंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे हल्का सा और इसको रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं हमें और ये आटा हमारा बिल्कुल देखिए स्मूथ है इस समय। ये देखिए मूली, हमने मूली में 1/2 चम्मच के करीब हमने चिली फ्लेक्स डाल दिए। आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा डाला है और ये लिया है हमने रेड चिली पाउडर, तीखा कम है ये, 1/4 टीस्पून नमक स्वाद के अनुसार, और भुना जीरा पाउडर मैं थोड़ा सा डालती हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने भुना जीरा पाउडर डाला है और अब हम इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे फ्रेश, और इन सबको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब बनाएं ना तभी आप नमक और मसाला डालें, क्योंकि अगर आप पहले से डाल देंगे तो फिर से मूली जो है ना गीली हो जाएगी। कुछ लोग कपड़े में भी इसको डाल के पानी निचोड़ते हैं, आपकी मर्जी है, मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। तो बिल्कुल देखिए सूखी सूखी है। हमने टेस्ट करके देख लिया है, मसाला बहुत अच्छा बना है। नमक पहले कम था, थोड़ा सा हमने और ऐड कर दिया है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला बना सकते हैं, और बहुत कम मसाले डालने से क्या होगा कि मूली का ओरिजिनल फ्लेवर रहेगा, मसाले उस पर हावी नहीं होंगे, है ना। तो अब हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ के 2 फुलके बना लेते हैं। तो हम पहले ये 1 चपाती बना रहे हैं, थोड़ा पतला बेलेंगे रोटी जितनी हमने आटा लिया है, काफी पतला करेंगे हम इसको, है ना। तो इस तरह से हम 2 रोटियां बना लेंगे। अब ये देखिए 2 रोटियां ना हमने बहुत पतली पतली बेल ली हैं, जैसे पापड़ होते हैं ना बिल्कुल पतली, क्योंकि हम ये पेपर पराठा बनाने वाले हैं। तो 1 रोटी को हम इधर रखेंगे और बाकी जो ये फिलिंग है ना, तो ये जब मैं डबल बनाते हैं तो मैं कई बार निचोड़ती भी नहीं हूँ पानी, बट बिगनर्स है ना जो उनको मुश्किल ना आए बनाने में, तो अब हर कोई इस तरह से मूली का पराठा बना सकेगा। आप सिंगल तो बनाते ही हैं, पर ये पेपर पराठा भी आप बना कर देखिएगा। चारों तरफ से इसको लगा देंगे अच्छे से फिलिंग को, देखिए कितने अच्छे से फिलिंग फैल गई है, ताकि पूरे पराठे में ना नजर आए। और अब हमने ना ये दूसरा पराठा इसके ऊपर ऐसे रख दिया है ना, थोड़ा थोड़ा इसको साइड से ऐसे दबा देंगे, चिपक जाएगा ये थोड़ा, है ना। अब ये हमारा ना पराठा दोनों तरफ से अच्छे से चिपक गया है। हम इसको ऐसे थोड़ा सा कर लेंगे हाथ से और गरम तवे पे इधर डाल देंगे। ये देखिए पहले से तवा हमने गरम करना रख दिया था, इसको डाल देंगे अच्छे से सिक जाएगा। एक और पराठा हम इस तरह से बेल लेंगे। थोड़ी थोड़ी आपको मूली दिख रही है ना, तो मुझे आदत है, आप साइड से बंद कर सकते हैं। ये देखिए अब दोनों तरफ से सिक गया है, मुझे आदत है, मैं फटाफट उसको डाल देती हूँ तवे पे। आपका अगर खुल ले तो आप थोड़ा साइड से कम मूली कर सकते हैं, है ना। अब हम इस पे घी लगा रहे हैं, घी ऑयल जो भी लगाना है आपको, चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड करें। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी बनता है। और पराठे को हम पलट लेंगे, इधर से भी सिक गया है अच्छे से, है ना, इधर भी हम घी लगाएंगे। दोनों तरफ हम घी ऑयल जो भी आप यूज करते हैं वो लगा सकते हैं। अगर आप पिघला हुआ घी ऐसे ब्रश से लगाएंगे ना तो थोड़ा कम लगेगा,
लेकिन चॉइस आपकी है, आप जैसे भी यूज करना चाहें। ये देखिए कितना क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार है हमारा। ये चारों तरफ से सेक लेंगे अच्छे से। ये देखिए दोनों तरफ से कितने अच्छे से हमारा पराठा सिक गया है। मैं दूसरी तरफ से भी आपको दिखाऊं। ये देखिए अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग, और मैं यहाँ आपको खोल के दिखाऊं, ये हमारा पेपर पराठा वाव बन करके बिल्कुल तैयार है। आप देखिए पूरी फिलिंग है, चारों तरफ से अच्छे से भरा हुआ है। तो मैं और भी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रही हूँ, और आपको ये बता रही हूँ कि हमारे पराठे बहुत बहुत यमी बने हैं। और ये ना आप ऐसे सर्व कर सकते हैं, जैसे ये रोल किया और आपने ऐसे पराठा सर्व कर दिया, तो ये पेपर पराठा बन गया आपका। बहुत पतला है, आप देखिए बहुत पतला है, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी और पेपर पराठा बनकर तैयार है। तो बनाएंगे ना ऐसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।